आप याद कीजिए, ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी जब केंद्र में सरकार थी तब क्या स्थिति थी? तब तो कृषि मंत्री भी यहीं ये महाराष्ट्र के थे। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली से 1 रुपया निकलता था 15 पैसा पहुंचता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज जो आपको 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं उसमें से 18,000 करोड़ रुपए बीच में ही लूट लिए जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक, पाई पाई बैंक खाते में। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजन की डबल गारंटी है। अभी महाराष्ट्र के किसानों को अलग से 3,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं, यानी महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के किसानों को 30,000 करोड़ और यवतमाल के किसानों को 900 करोड़ रुपए मिले हैं।